हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि निर्जातीयता और प्रजाति के बीच की सीमा रेखा धुंधली है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। तो चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जहां तक निर्जातीयता और प्रजाति के बीच की सीमा की बात है, वह वास्तव में ही धुंधली है, और यह धुंधलापन वैचारिक और सामाजिक दोनों कारणों से उत्पन्न होता है। वैचारिक कारक प्रजाति को अक्सर जैविक या शारीरिक विशेषताओं जैसे त्वचा का रंग, चेहरे की विशेषताएं और बालों की बनावट से जोड़ा जाता है, जिन्हें आम वंश के लोगों द्वारा साझा माना जाता है। हालांकि ये श्रेणियां सामाजिक रूप से निर्मित हैं, वैज्ञानिक रूप से आधारित नहीं है, जिससे प्रजाति एक तरल और अस्पष्ट अवधारणा बन जाती है। दूसरी ओर निर्जातीयता साझा सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषा, इतिहास और विश्वासों को संदर्भित करती है, जो एक समूह को परिभाषित करती है। यह शारीरिक उपस्थिति से अधिक सांस्कृतिक पहचान के बारे में है। व्यवहार में प्रजाति और निर्जातीयता अक्सर आपस में जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, लोग अक्सर ब्लैक एक प्रजातीय श्रेणी होने को अफ्रीकी अमेरिकी एक निर्जातीय पहचान होने के साथ जोड़ते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ब्लैक व्यक्ति दुनिया भर के विभिन्न निर्जातीय समूहों से संबंधित हो सकते हैं। सामाजिक कारक। कई समाजों में प्रजाति और निर्जातीयता का इस्तेमाल ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण एक दूसरे के स्थान पर या भ्रमित रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में लैटिनक्स लोगों को अक्सर एक अलग समूह के रूप में प्रजातीय रूप से वर्गीकृत किया जाता है, भले ही लैटिनक्स में विभिन्न निर्जातीय और प्रजातीय पृष्ठभूमि शामिल हो। जिस तरह से अलग अलग समाज लोगों को प्रजाति और निर्जातीयता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, वे व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जिससे रेखाएं और धुंधली हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी देश में श्वेत माने जाने वाले व्यक्ति को अलग अलग सामाजिक मानदंडों और इतिहास के कारण दूसरे देश में श्वेत नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष प्रजाति और निर्जातीयता के बीच धुंधलापन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि ये अवधारणाएं कठोर नहीं हैं, बल्कि तरल और सामाजिक रूप से निर्मित हैं। सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर उनके अर्थ और निहितार्थ बदल सकते हैं। यह तरलता दोनों के बीच स्पष्ट सीमाएं खींचना मुश्किल बनाती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।